हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं गेल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 3 नवंबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गेल में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 3.78% का पॉजिटिव मूव, 122.05 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है ज़रूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम देखने मिला, कैंडल मीडियम से ऐसी बनी है यहाँ पे बॉडी और दोनों के साइड में बारीक बारीक विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI 50-51 नहीं, एकदम ही न्यूट्रल सा हमारा RSI आ चुका है जो हमें दोनों साइड का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसीडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव जो है अराउंड 121 के आसपास देखने में उसको भी क्रॉस करते हैं, मूवमेंट हमें जो है वो 118 तक आते हुए 18.7 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेसन भी यहाँ पे मार्क्ड है। ऊपर के साइड में थोड़ा सा डेटा जो बना है उसको खाली मैं मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की बात करें तो 122.15 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 121.70 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 122.95 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस जोन क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता है 120.25 का, उसके बाद 119.05 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 124 का, उसके बाद का 125 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग का 120 से लेके 121.70 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की भी एक्सपेक्टेशन है, इस रेंज में हमें क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कल के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।